नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में 24वां फुटबॉल टूर्नामेंट। निरसा के देवियाना स्थित फुटबॉल ग्राउंड में क्रांति क्लब द्वारा शहीद गुरुदास चटर्जी की याद में 24वां फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन करवाया गया, जिसमे मुख्य अतिथि के रूप में निरसा पूर्व विधायक अरूप चटर्जी पहुँचे। सर्वप्रथम शहीद गुरुदास चटर्जी की तस्वीर पर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उसके पश्चात पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने फीता काटकर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस आयोजित टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने हिस्सा लिया है। आयोजित टूर्नामेंट को सफल बनाने में पूर्व मुखिया पिंटू बाउरी, नवीन बाउरी एवं देवियाना ग्राम वासियों का महत्वपूर्ण योगदान था। आइए जानते हैं अरूप चटर्जी, पूर्व विधायक और बादल मालाकार ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। साल है, पिछले 24 वर्षों से हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का योगदान है और हमेशा से हम लोग ये सपोर्टिव मूड में रहते हैं कि हमेशा ये टूर्नामेंट जो है मिसाल बने। और ये 24वां साल, इस 2024 को लेकर 24वां साल हो रहा है, लेकिन आज तक कभी इस खेला में न कभी झूठ झमेला हुआ, न कुछ हुआ। सब आपसी भाईचारे के साथ इस खेला को अपने क्या बोलते हैं मनोरंजन की तरह देखते हुए खेलते हैं। और सिर्फ देवियाना गांव नहीं, आसपास के ग्रामीण भी इसमें बहुत सहयोग करते हैं। और सिर्फ आसपास के खिलाड़ी नहीं, यहाँ के बंगाल से भी बहुत सारे टीमें यहाँ से खेल चुकी है और इस बार भी बहुत सारी टीम बंगाल से भी है। और हमारा प्रयास रहेगा आने वाले समय में भी इस तरह का हम लोग आयोजन करते रहेंगे। और सभी के लिए एक पहले से बता दे रहा हूँ कि ये 24वां साल है, आने वाला साल सिल्वर जुबली होगा 25वां साल, और हम लोग कोशिश करेंगे। क्रांति क्लब देवियाना के द्वारा प्रत्येक वर्ष ही यहाँ पर फुटबॉल खेला का आयोजन किया जाता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी प्यार देवियाना गाँव ऐसे तो समन्वय समिति शुरुआती दौर से जुड़े हुए और उसके साथ साथ हमारे परिवार की जो खेला है ये हमेशा से इस इलाके में जा रही है। लोग अच्छे तरीके से खेले और हम लोग आशा करते हैं कि ये आगे भी।